तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, मेन बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताई थी। अब मैं आपको एग्जैक्ट जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो सिखाने जा रहा हूं, या मैं इस बात को ऐसे बोलता हूं फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना होती है उसके अंदर वास्तव में क्या होता है, फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेटल है और इस मेटल के ऊपर हमने फोटॉन्स गिराए, और जितने भी फोटॉन गिराए हर फोटॉन के पास जो एनर्जी थी वो एच न्यू के बराबर थी। मेटल के ऊपर मैंने फोटॉन गिराया और फोटॉन के पास एनर्जी एच न्यू के बराबर थी। अच्छा, ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी एनर्जी एक्वायर नहीं कर सकता। ऐसा मैंने पिछली क्लास में प्रूव भी किया था कि जो भी इसके पास एनर्जी है सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी कम एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी इसको मिलेगी ठीक है वो पूरी की पूरी एच न्यू के बराबर नहीं होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो जैसे मान लो कि इसके पास एनर्जी एच न्यू के बराबर थी, प्लीज कम इन, इसके पास एनर्जी एच न्यू के बराबर थी और एच न्यू के बराबर एनर्जी थी और थोड़ी सी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मतलब जब मिलेगी तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा, तो जो लॉस होगा उसको हम लोग वर्क फंक्शन या फाई के नाम से जानते हैं, और जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर से सुने बात क्या बता रहा हूं मैं, इसको समझेंगे आप लोग कि मान लेते हैं कि जो फोटोन आया, फोटोन के पास काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो फाई है इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, अब इसके बारे में और बताएंगे। तो मान लेते हैं कि जो फाई है इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, फाई यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लॉस हो गया, तो जो बची हुई एनर्जी वो कितनी रही, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो के मैक्स मतलब कि जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। फिर से समझे इसको, हमें ये पता है कि इस फोटोन के पास जो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर होती है, हम ये जानते हैं कि सारी की सारी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का नुकसान होगा, तो जो एनर्जी का नुकसान होता है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोल देते हैं। तो 5 जैसे मान लो इसके पास था, समझाने के लिए एक नंबर ले रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास था, फाई की वैल्यू मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 में से 3 तो तुरंत ही खत्म हो गया, जो बचा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। समझ गए, मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती है, थोड़ी एनर्जी उसको मिलती है और थोड़ी एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में फाई के फॉर्म में लॉस हो जाती है। इस चीज में कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब देखें, अब इसमें जो और बारीक बातें हैं वो ये हैं कि जैसे फोटोन आया, फोटोन आके गिरा और गिरने के बाद फाई के बराबर एनर्जी तो तुरंत कट गई, फाई के बराबर तुरंत एनर्जी कट गई, तो बची एनर्जी कितनी हुई, बोले एच न्यू माइनस फाई। तो अब जैसे मान लेते हैं कि इस ये आके फोटोन इसके ऊपर गिरा और फाई के बराबर एनर्जी तुरंत कट गई, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली वो एच न्यू माइनस फाई के बराबर मिली। अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू माइनस फाई के बराबर है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इस एनर्जी को लेकर बाहर निकल गया तब तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी एच न्यू माइनस फाई होगी, लेकिन एक और बात हो सकती है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली एच न्यू माइनस फाई, इस इलेक्ट्रॉन ने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, फिर दूसरे वाले को मारी, तीसरे वाले को मारी, तो इसकी एनर्जी जो थी एच न्यू माइनस फाई से कम हो जाएगी, और जब यह मेटल से बाहर निकलेगा तो इसकी एनर्जी एच न्यू माइनस फाई से कम रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर इतनी टक्कर कर लिए कि बाहर निकलने लायक ही ना रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही ना पाए। तो अब क्या है, फिर से इसको समझिएगा, ये फाई जो है ये वेस्टेज है, एच न्यू के बराबर एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जिसके ऊपर भी फोटोन गिरेगा सबको एच न्यू के बराबर एनर्जी मिलेगी, उसमें से फाई के बराबर तुरंत कट जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, बची एनर्जी होगी एच न्यू माइनस फाई। अब ये एच न्यू माइनस फाई जिस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी अगर ये लेके चुपचाप बाहर निकल गया, तुरंत ही लेके बाहर निकल गया, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी होगी एच न्यू माइनस फाई। ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर ना निकले बल्कि अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार दे, टक्कर मार के मान लो अपनी एनर्जी कम कर ले, फिर दूसरे को टक्कर मारे, तीसरे को टक्कर मारे, काफी कम एनर्जी हो जाए तब ये बाहर निकले। तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो अधिक से अधिक एनर्जी होगी, जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो आएगी एच न्यू माइनस फाई, बाकी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी एच न्यू माइनस फाई से कम होगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि
मिलेगा सबको बराबर, HNU माइनस पाई के बराबर एनर्जी सबको मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन उसका कितना समझदारी से इस्तेमाल करता है इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बाहर जब निकल रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है। हो सकता है वो सारी की सारी एनर्जी लेके चुपचाप निकल जाए, हो सकता है एनर्जी लेके इतराता फिर इसको दे उसको दो उसको दो वहीं पर खत्म हो जाए, निकल ही ना पाए। या हो सकता है बाहर निकले तो HNU माइनस पाई बाई नाइन एनर्जी से निकले, बाकी 8/9 हिस्सा उसका खर्च हो चुका हो। तो अब इसमें जो समझने वाली बात है, यहां पर जो मैंने कई मैक्स लिखा है, कई मैक्स इसलिए लिखा है कि मिलेगा सबको HNU माइनस पाई, लेकिन उस एनर्जी का कौन कितना बेहतरीन इस्तेमाल करता है, किसके कौन कितना, जैसे HCV में जो शब्द लिखा हुआ है वो मोस्ट इकोनॉमिकल यूज जो करेगा, जो सबसे बढ़िया इस्तेमाल करेगा वो तो HNU माइनस पाई से बाहर निकलेगा। कुछ HNU माइनस पाई से कम एनर्जी से निकलेंगे और कुछ बिल्कुल अंदर ही अंदर सारी एनर्जी लॉस कर पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आ रही सबको? आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि भगवान ने सबको बराबर समय दिया है, 86400 सेकंड सबको बराबर मिले हैं, ठीक है। अब आप में से ही कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे लाइफ में, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबको समय भगवान ने बराबर दिया है। दिमाग में न्यूरॉनों की संख्या भी लगभग बराबर ही होती है, जानते हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी के पास दिमाग बड़ा तेज होता है, न्यूरॉन बहुत ज्यादा होते हैं। माँ बाप भी सबके अच्छे ही होते हैं, सबके माँ बाप भलाई चाहते हैं, टीचर भी भलाई चाहते हैं, ठीक है, दोस्त यार भी, मतलब कुल मिला के ये है कि सबको बराबर से मिला है, ठीक है। कोई बहुत रईस घर में पैदा हो गया, चांदी के चम्मच से उसने खीर खाई है, ठीक है, कोई नॉर्मल चम्मच से खा रहा है, बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। लेकिन कुछ लोग बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर लेते हैं उसी समय का, कुछ लोग उसी समय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी गिरी HNU के बराबर, पाई के बराबर वेस्टेज हो गया, जो बचा वो HNU माइनस पाई मिला। अब वो HNU माइनस पाई जो है डिपेंड करता है कि सारा का सारा तुरंत लेके बाहर निकल गया तो उसके पास HNU माइनस पाई रहेगा, अगर अंदर ही अंदर कोलिजन में वेस्ट कर दिया तो हो सकता है बाहर ही ना निकल पाए, या निकले तो बहुत कम एनर्जी से निकले, बिल्कुल एकदम लगड़ाता हुआ मरा हुआ इलेक्ट्रॉन निकले कि बिल्कुल यहां से मरा हुआ एकदम जाके फिर वापस आ जाए, इस टाइप से भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, वो HNU माइनस पाई के बराबर होती है, ठीक है। अब इस बात को मैं लिख देता हूं, इस बात को मैं नोट भी कर देता हूं, व्हेन, आप भी लिखें मेरे साथ, व्हेन द फोटॉन्स आर इंसिडेंट, व्हेन द फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, when the photons are incident on electrons, each electron gets an amount of energy, each electron gets an amount of energy equal to, each electron gets an amount of energy equal to HNU minus phi, each electron gets an amount of energy equal to HNU minus phi if the electron makes most economical chemical use of it, amount of energy equal to HNU minus phi, if the electron makes most economical use of it, it can come out with energy, it can come out with energy HNU minus phi. If the electron loses the energy in collisions, if the electron loses the energy in collisions, it can come out. It can come out with energy. It can come out with energy less than
Hν-5, it can come out with energy less than Hν-5, or it may not come out, it may not come out at all. मैं फिर से पढ़ देता हूं. When the photons are incident on electron, each electron gets an amount of energy equal to Hν-5. सबको Hν-5 के बराबर एनर्जी मिलती है. अगर इलेक्ट्रॉन मेक्स मोस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ इट, सबसे बढ़िया इस्तेमाल करेगा, इट कैन कम आउट विद एनर्जी Hν-5. Hν-5 से बाहर आ सकता है. इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेस द एनर्जी इन कोलिजन्स, इट कैन कम आउट विद एनर्जी लेस देन Hν-5. अगर कोलिजन के अंदर एनर्जी लूज करेगा तो Hν-5 से कम एनर्जी से बाहर निकलेगा. और अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा कोलिजन कर लिया तो ये हो सकता है कि बाहर निकल ही ना पाए, उस मेटल के अंदर ही ये रह जाए. ऐसे इस बात की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो इस मेटल के अंदर ही रह जाए. तो जैसे इसके ऊपर यहां से लाइट गिरी थी, हर फोटोन के पास एनर्जी Hν थी, फाई के बराबर एनर्जी का वेस्टेज हुआ था, तो इसको जो मैक्सिमम एनर्जी मिली थी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि के मैक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू Hν-5. ये के मैक्स की वैल्यू आई थी. अब इलेक्ट्रॉन कितना इस्तेमाल करता, हो सकता है Hν-5 से निकले, हो सकता है Hν-5/9 से निकले, हो सकता है बाहर ही ना निकल पाए, इस बात की पॉसिबिलिटी. अब इसमें ये तो मैक्सिमम एनर्जी हो गई जो कि हमें दिमाग में रखना ही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. एक वर्क, एक चीज यहां पर आती है, वर्क फंक्शन फाई. थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग. कई तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. एक तो इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई जैसे देखिए के मैक्स Hν-5 है, तो अगर फोटोन के पास एनर्जी Hν से ज्यादा होगी, भाई काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो जो फोटोन आ रहा है, अगर उसके पास फाई से फोटोन की एनर्जी Hν है, तो अगर Hν की वैल्यू फाई से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो हम लोग इस तरह से वर्क फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन की जिससे कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल हो पाए. ठीक है, जो किताब में डेफिनेशन है वो यही है कि कम से कम जैसे Hν की वैल्यू फाई से बड़ी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी. Hν की वैल्यू फाई से कम हो गई तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा. तो फाई की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वो कम से कम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का एमिशन पॉसिबल हो. इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं. मतलब डेफिनेशन यही है इसकी. तो मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन The minimum amount of energy of the photon required to remove an electron from the metal. The minimum amount of energy of the photon required to remove an electron from the metal is called work function. ये जो work function होता है, ये किताबों में जो लिखा रहता है वो सीजियम का सबसे कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है. किसी का 3 होगा, किसी का 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किसी का जिसमें बहुत ज्यादा निकालना मुश्किल होगा 15-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है. तो ये जो वर्क फंक्शन होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. सीजियम का अलग आएगा, मतलब पोटेशियम का अलग आएगा, लोहे का अलग आएगा, सोने पीतल सबका अलग अलग वर्क फंक्शन आता है. मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो वर्क फंक्शन होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कौन सा मटेरियल है. और वर्क फंक्शन को अगर फिजिकली, ये तो डेफिनेशन हो गई, फिजिकली समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि भाई कम से कम फोटोन के पास, जैसे मान लीजिए कि वर्क फंक्शन अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो फोटोन गिर रहा है उसके पास 10 से ज्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अगर उसके पास 11-12-15 होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. और जैसे फोटोन जो आया वो Hν एनर्जी से आया, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो उसके पास एनर्जी Hν-5 के बराबर थी, तो ये समझो कि 5 के बराबर एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है तुरंत.
वर्क फंक्शन आप समझ सकते हो कि वेस्टेज टाइप का है, जितनी एनर्जी तुरंत की तुरंत वेस्ट हो जाती है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे आप इसको थोड़ा रिलेट ऐसे कर पाओगे, जैसे जो अब तो जैसे मान लो आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया, अब तो खैर उस तरह के रिचार्ज नहीं आते। 100 रुपए का रिचार्ज कराते थे पहले आप, तो उसमें 80 रुपए आते थे ना, 80 रुपए आते थे, 20 पता नहीं कहां चले जाते थे। तो वो जो 20 है वही वर्क फंक्शन है, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं, कोई अकाउंटिंग भी नहीं है कि भाई वो हमारा 20 रुपए कहां गया। कंपनी से आप मांग भी नहीं सकते, अब तो फुल का फुल देते हैं ना, शायद 300-400 का कराओगे तो पूरा मिलेगा, पता नहीं इस समय क्या चल रहा है छोटे वाले सेट में जो आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये जो वर्क फंक्शन है वही है जो 20 रुपया कट गया, या टोल नाका, टोल पे जाओ, आजकल बहुत सारे टोल नाके होते हैं ना, जहां पे जाओगे मान लो टोल टैक्स जो है 60 रुपए का है, तो जैसे ही आप टोल नाके को पार करोगे आपकी जेब से 60 रुपए कम हो जाएंगे। अब आप उस 60 रुपए का हिसाब मांगिए सरकार से, और जो मांग रहा है तो कहां से हिसाब देगा, वो क्या हिसाब देगा, यही बोलेगा सड़क अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सड़क तो हर जगह गड्ढे पड़े रहते हैं, कहीं भी आप जाओगे तो गड्ढे गड्ढे मिलेंगे ना, हिसाब तो नहीं उसका। तो ये फाई जो है ये अनअकाउंटेड एनर्जी है, इसका कोई हिसाब किताब आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो फाई के बराबर टैक्स है ये, गुंडा टैक्स मान लो, टोल टैक्स मान लो, जो टैक्स आपको मानना है मान लो, ये तुरंत कट जाएगा, जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो एच न्यू माइनस फाई के बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम लोग कुछ क्वेश्चन यहां पर आपको मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे। एक नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, कुछ एक छोटी छोटी बातें रह गई है, डेफिनेशन वो भी बता दो फिर क्वेश्चन दूंगा। यहां पर एक टर्म आता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको कहते हैं, कोई हिंदी मीडियम का है यहां पे? हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं दहली आवृत्ति। दहली का मतलब होता है दहलीज, जैसे ये है ना, ये कमरा है, हाँ चौखट, ये दहलीज है या चौखट है, तो हिंदी में इसका नाम दहली आवृत्ति होता है। ये मतलब एक बाउंड्री टाइप की हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको न्यू टीएच से दिखाते हैं। तो अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि भाई देखो, अगर मान लो कि एच न्यू फाई से कम है, तो एच न्यू फाई से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो एच न्यू की वैल्यू कम से कम फाई के बराबर तो होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी तो निकलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी तरह डिफाइन की जाती है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसके फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो जाए, मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी, भाई एच एनयू की वैल्यू अगर फाइव से कम होगी तो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉरी द मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो उसके लिए कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको हम सॉल्व करें तो एच न्यू टी एच कम से कम फाई के बराबर तो होना ही चाहिए, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो हम एच न्यू टी एच फाई के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन आएगी एच इंटू न्यू टी एच इज इक्वल टू फाई, तो न्यू टी एच किसके बराबर होगा, फाई बाई एच के बराबर, न्यू टी एच जो है फाई बाई एच के बराबर हो जाएगा। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 बाई एच के बराबर हो जाएगी, ये आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नोट करने से।
अब उसके बाद इसके अंदर आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक टर्म और आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा टीएच कैसे डिफाइन करेंगे इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लीजिए डिफाइन करना चाहें, बिल्कुल मैक्सिमम यहां पर आएगा। मैक्सिमम इसलिए आएगा क्योंकि जैसे अगर हम एच न्यू को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, यही तो होगा ना। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एच सी बाई लैम्डा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होते होते एक लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद फिर एच सी बाई लैम्डा फाइव से भी छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिक से अधिक वेवलेंथ जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों का एमिशन पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इसमें द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। हिंदी में इसको वही कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य। द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस, अधिक से अधिक वेवलेंथ जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो पाए। अब यहां पर दहली या थ्रेशोल्ड वर्ड जो है उसको समझा जाए। थ्रेशोल्ड इसलिए बोला जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे दहलीज का एग्जांपल दिया था, तो दहलीज का मतलब या थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि या तो उस पार या तो इस पार। अगर आप दहलीज के उधर हैं तो कमरे के बाहर है, नहीं तो अंदर है। इसमें बहुत सारे गाने वाने भी बने हैं दहलीज पे हिंदी सिनेमा में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा टीएस से जरा सा भी कम होगी तब क्या होगा, एमिशन होगा, और लैम्डा टीएस से जरा से भी ज्यादा होगी तो एमिशन बंद हो जाएगा। यानी ये दहलीज वाली वैल्यू है कि अगर इस वैल्यू से जरा सा भी इधर गए तो फिनोमिना बदल जाएगा, इधर चले गए तो फिनोमिना बदल जाएगा, इधर जाएंगे तो एमिशन चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वर्ड जहां भी आए वो ये बताता है कि घटना बदल गई, इवेंट जो है चेंज हो गया। थ्रेशोल्ड अगर है तो इसका मतलब कि उस थ्रेशोल्ड के बाद कुछ और होगा, थ्रेशोल्ड के पहले कुछ और होगा। जैसे इसकी दहलीज के अंदर कमरा है, बाहर बाहरी है। ठीक है, अब अगर हम लैम्डा टीएच की वैल्यू निकालना चाहें तो एचसी बाई लैम्डा टीएच इज इक्वल टू फाइव, तो लैम्डा टीएच किसके बराबर जाएगा, एचसी अपॉन फाइव। लैम्डा टीएच जो आएगा वो एचसी अपॉन फाइव के बराबर जाएगा। थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ आएगी वो एचसी अपॉन फाइव के बराबर आ जाएगी। आगे बढ़े तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इवेंट हो गया। ये देखिए सवाल, ये मेटल है और इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके ऊपर लाइट गिर रही है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू निकालें हम लोग। देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने लैम्डा टीएच जो है इसकी वैल्यू निकालनी बताई थी। लैम्डा टीएच जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या था, एचसी अपॉन फाइव। एचसी की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एचसी की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एंगस्ट्रॉम। एचओसी की अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एचसी की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन में बड़ा मदद करता है ये। एचओसी की वैल्यू हमें पता है लेकिन ये एक वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एंगस्ट्रॉम, और जो वर्क फंक्शन था वो किसके बराबर था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ जाएगा, बचेगा एंगस्ट्रॉम, तो कितना आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, ये आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। इसी के अंदर एक और सवाल लिखें, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताएं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताई आपने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताएं। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा गया है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एच न्यू टी एच इज इक्वल टू फाइव, तो न्यू टी एच किसके बराबर होगा, फाइव बाई एच। अब फाइव की वैल्यू मैं रखता हूं, फाइव की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एच तो मुझे एमकेएस में पता है और फाइव जो है वो जूल में तो नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो हमें दोनों को एमकेएस में पता करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो हम कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। फिर से बता दे रहा हूं मैं, किसी को डाउट हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है, याद कर ले सब लोग, इस चैप्टर में बार बार काम आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया ये, अपॉन एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻¹⁴। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 × 6.6 × 10⁻¹⁵, 34 में से 19 गए 15। इसको और देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दे, तो ये लगभग 1/2 आ गया ना, ये 1/2 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, ऐसे कर दिया हमने, 0.5 में से एक जीरो इधर ले लिया, तो 5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज इसके बराबर ही आ जाएगा। इसको नोट कर ले। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आ रहा है, यही सेम जो है इसी के अंदर और क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द के ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, के ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द के, हाँ के मैक्स, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, वेरी गुड, फाइंड द के मैक्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बताएं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम ये जानते हैं कि जो के मैक्स होता है ये बराबर होता है एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। लेमडा हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो एच सी की वैल्यू भी हम एंगस्ट्रॉम वाली ही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन लेमडा, एंगस्ट्रॉम में दिया है 5000 और फाइव जो है वो है 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 2.48 आ रहा होगा, ये जो आ रहा है ये 2.48 आ रहा है, तो 2.48 − 2 या 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी, ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। इसी में एक और सवाल बनता है, सवाल ये है, इफ बीम एरिया इज 10 cm² एंड बीम इंटेंसिटी इज 1 mW/m² एंड बीम इंटेंसिटी इज 1 mW/m², फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। बीम एरिया इज 10 cm² एंड बीम इंटेंसिटी, इसी सवाल का पार्ट है, बीम एरिया अगर 10 cm² है और बीम इंटेंसिटी 1 mW/m² है, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो है पर सेकेंड कितने एमिट होंगे। देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट पर सेकंड बताना है, कितने फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं उसका मैंने आपको बकायदा फार्मूला बताया है, और वो फार्मूला एम की वैल्यू क्या है, आई ए लेमडा अपॉन एच सी, ये चीज।
अब चूंकि नंबर चाहिए तो ये सबके सब आई है लेमडा एच ई सबके सब एक ही यूनिट में होने चाहिए, सबके सब एम के एस में, सबके सब सब एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो अब इंटेंसिटी इन्होंने 1 mW/m² दी है, मिली वॉट दी है तो मैं उसको 10^-3 कर दूंगा। एरिया इन्होंने बीम एरिया दिया है 10 cm², तो हम इसको कर देंगे 10×10^-4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10^-4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया आई ए लेमडा, लेमडा की वैल्यू इन्होंने रखी थी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000×10^-10 अपॉन एच सी, एच है 6.6×10^-34 और सी है 3×10^8 यह आ जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर अगर आप देखें तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 इधर ले लिया मैंने और ये 3 से ये 3 जीरो चले जाएंगे, यहां बचेगा 10^-3 और -10 पहले से है तो -13 हो जाएगा, तो 10^-13 ठीक है अपॉन 6.6×3 हो जाएगा 19.8 और ये हो जाएगा 10^-26 ये हो जाएगा 19.8×10^-36 हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/19.8×10^13 ठीक है ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर हम कर दें, 19.8 को 20 मान लें, एक जीरो इससे ले लें तो ये 50/20 हो जाएगा, 50/20 कितना हो जाएगा 2.5, तो ये 2.5×10^12 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर ये 2.5×10^12 के बराबर आ जाएगी। तो इतने जो फोटोन हैं वो पर सेकंड इसके ऊपर गिर रहे होंगे ठीक है। अब इसी के अंदर एक और सवाल दे रहा हूं मैं, कई सारे जैसे सवाल हुए तो एक और इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है ठीक है। क्वेश्चन जो है लिखे, फाइंड द, इसी पर बेस्ड है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इफ क्वांटम इफिशियंसी इज 1%। क्वेश्चन क्या है समझे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एमिट होंगे अगर क्वांटम इफिशियंसी 1% है। क्वांटम इफिशियंसी का मतलब मैं लगे हाथ आपको समझा दे रहा हूं, क्वांटम इफिशियंसी 1% है तो इसका मतलब यह है कि 1% क्वांटम इफिशियंसी, इसका मतलब यह कि जैसे 100 फोटोन अगर गिर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर क्वांटम इफिशियंसी 100% होती तो इसका मतलब क्या होता, 100 फोटॉन गिर रहे थे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अगर मान लीजिए क्वांटम इफिशियंसी 10% है इसका मतलब क्या होगा, 100 फोटॉन गिरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10। अगर 0.1% है इसका मतलब क्या हुआ, 100 फोटॉन गिरेंगे तो 0.1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 1000 फोटॉन गिरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्वांटम इफिशियंसी यही बताता है कि कितना परसेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सवाल दिया था मैंने, इसके अंदर अगर क्वांटम इफिशियंसी 1% है तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे। बहुत आसान सा सवाल है, क्वांटम इफिशियंसी अगर 1% है इसका मतलब 100 फोटॉन अगर गिरे थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो अब देखो यहां से हमने ये तो देख लिया था ना कि फोटोन कितने गिरे थे, फोटोन इतने गिरे थे तो इलेक्ट्रॉन इसका बाई 100 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे दे विल बी इक्वल टू 2.5×10^12 अपॉन 100 या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2.5×10^10 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, सबको समझ में आ रहा है? इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, अगला सवाल यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोटोकरंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी वजह से करंट पैदा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन लगातार लाइट गिर रही तो निकल ही नहीं, तो जो करंट पैदा होगा उसकी वैल्यू बतानी। फोटोकरंट का मतलब लाइट गिरने से जो करंट आता है उसे फोटोकरंट कहते हैं। कुल मिला के करंट ही है लेकिन चूंकि लाइट गिरने से आ रहा है तो इस वजह से इसको हम लोग फोटोकरंट का नाम देते हैं। आइए इधर देखिए, जैसे हमें करंट निकालना है तो हमें यह तो पता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पर सेकंड निकल रहे हैं,
करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन की एक सेकंड में जितना चार्ज जाता है उसी को करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अभी एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतने निकल रहे हैं, तो एक सेकंड में जो चार्ज निकल रहा होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू ई। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसके बराबर है? 2.5 इनटू 10 टू द पावर 10। और ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वो कितना है? 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19। ये तो ओवरऑल जो फोटो करंट आएगा वो एक सेकंड में जो भी चार्ज आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा पर सेकंड। पर सेकंड चार्ज को करंट कहते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर। ये हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फोटो करंट होगा वो 4 × 10⁻¹⁹ एम्पीयर के काफी कम करंट होगा, बहुत महीन करंट होता है। फोटो करंट जो होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, इसके इस्तेमाल भी है। इस फोटो करंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हुए हैं लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, चलो एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। EEEE का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज K1। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K2। फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K2। Choose the correct option. पहला है K2 is equal to 2K1, दूसरा है K2 greater than 2K1, तीसरा है K2 less than 2K1 और चौथा है none। सवाल में समझा रहा हूं आपको, एक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उसके ऊपर लाइट गिरी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 आई। अब क्या हुआ कि हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 आई। तो K1 K2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो आपसे ये बोला है कि भाई अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 आई थी और अगर हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 आएगी। तो K2 K1 में अगर हम कोई रिलेशन निकाल पाए तो क्या आ रहा है आप लोगों का, क्या आंसर आ रहा है? पहला किसी का आ रहा है, पहला आप में से किसी का? दूसरा किसी का आ रहा है? दूसरा आपका रहा है K2 ग्रेटर देन 2K1। कितने बच्चों का आ रहा है? आप चारों का दूसरा आ रहा है। तीसरा आपका आ गया K2 लेस देन 2K1 और चौथा किसी का नहीं आ रहा है। तो चलो वैसे सही आंसर इसका दूसरा ही है, सेकंड आंसर सही है इसका, करके देखते हैं। तो इसमें देखिए भाई, जैसे जो लाइट गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू मान ले तो एच न्यू बराबर होगा 5 + K1। अब इन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी, तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो 2H(ν) इज इक्वल टू 5 + K2 आ जाएगा। हाँ, फाई कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, हम जानते हैं फाई कभी जीरो नहीं हो सकता। हम अब ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये हो गया 5 + K1 / 5 + K2। तो 5 + K2 की जो वैल्यू आई है ये आएगी 2 5 + 2K1। तो K2 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? 2K1 + 5। ये K2 की वैल्यू जाएगी, फाई कभी जीरो हो नहीं सकता है। तो अगर फाई कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब K2 हमेशा 2K1 से बड़ा है, कुछ ना कुछ 2K1 में जोड़ोगे तो K2 आ जाएगा। तो इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन 2K1, तो K2 जो है वो 2K1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये इसके अंदर आ गया। ये देखिए एक सवाल है,
सवाल क्या है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, पी ट्रिपल ई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, थ्री वेवलेंथ्स आर यूज्ड, नेमली 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ये आपको पता लगाना है. पावर ऑफ ईच बीम, जितनी भी बीम है, तीन बीम है अपने पास, तीन वेवलेंथ है, पावर ऑफ ईच बीम इज 1 mW. एंड वर्क फंक्शन जो है मेटल का, जिस मेटल पे गिर रही है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और क्वांटम इफिशियंसी 100% है. हुआ कुछ समझ में आया? हा? क्या है इसका कंसेप्ट? हाँ, इमिटेड जो होगा वो इंसिडेंट के बराबर होगा. अब कितने कितने इंसिडेंट हो रहे हैं पहले ये निकाला जाए. लेकिन इसके अंदर एक, इस सवाल के अंदर जो विशेष बात है, जिस वजह से मैंने आपको ज्यादा समय दिया था, मैंने दिया था कि तीन जो वेवलेंथ है ना, 4000, 5000, 6000, इसमें से बस एक ही वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी, बाकी दो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब जैसे ये अगर देखा जाए तो HC/λ होता है ना, तो जैसे 4000 वाले का देखा जाए तो ये हो जाएगा 12400/λ कितना है 4000, तो ये कितना हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ है ये तो निकाल पाएगी क्योंकि 3 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसका 5000 का और 6000 का देखेंगे तो इसका HC/λ जो है वो 3 से कम आ रहा है. तो यानी जो तीन वेवलेंथ हम लोगों ने इस्तेमाल की थी उसमें से एक ही वेवलेंथ काम की होगी, बाकी दो बेकार होंगे. ये 5000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम का अगर आप एनर्जी निकालोगे तो ये वर्क फंक्शन से कम आ रहा है. वर्क फंक्शन से कम आने का मतलब कि 5000 और 6000 जो है वो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो अब उस कंडीशन में सिर्फ एक ही वेवलेंथ होगी जो अपने यूज में आएगी, 4000 एंगस्ट्रॉम वाली. तो हम ये देखते हैं कि भाई इसके करेस्पॉन्डिंग कितने फोटोन गिर रहे हैं. तो जो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है अपने पास वो है IA/λ/HC. I इंटू ए जो होता है वो P होता है, पावर होता है. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, P/λ/HC. पावर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पावर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, कितनी दी थी पावर, 1 mW. तो ये 1×10⁻³. लेमडा जो है वो इसका है 4000 एंगस्ट्रॉम. H जो है 6.6×10⁻³⁴, और सी है 3×10⁸. यह आएगा 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा और ये हो जाएगा 4×10⁻¹. यहाँ ये चला गया अपॉन 19.8×10⁻²⁶. यह आ जाएगा. फिर अब अगर इसी को और सॉल्व करें तो देखो मोटा मोटा यहां से देखो 19.8 को हम 20 मान लेते हैं और इसको 40/22 हो जाएगा और ये 10⁻⁶ जो कितना था, 10⁻⁶ था, 16 में से एक ले लेंगे तो 15 हो जाएगा. तो यही सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आ जाएगा 2×10⁻⁵. इतने फोटोन गिर रहे होंगे पर सेकंड, जितने गिर रहे होंगे क्वांटम इफिशियंसी 100% है, 100% है, तो जितने गिर रहे होंगे उतने ही निकल भी रहे होंगे. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2×10⁻⁵ के बराबर हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. नोट कर लें सर.